श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। आज साल 2023 की अंतिम पूर्णिमा तिथि है। आज मार्गशीर्ष मास के पवित्र महीने का आखिरी दिन है, यानी कि आज है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा। और ये पूर्णिमा आज अगर देखा जाए तो ये पूर्णिमा आई है मंगलवार के दिन, यानी कि मंगलवार की पूर्णिमा है। और मंगलवार की पूर्णिमा पर तीन विशेष उपाय आपको करना चाहिए। आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर मृग शिरा नक्षत्र है, और अगर ये नक्षत्र मंगलवार के दिन आ जाता है ना, तो मंगल ग्रह से जुड़ी कोई भी अगर आपको परेशानियां हैं तो वो आज के दिन दूर हो जाएगी। आज के इस पूरे वीडियो में हम तीन विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो आपको पीले चावल का विशेष उपाय करना है। पीले चावल आपके जीवन का भाग्य का उदय करेंगे। पीले चावल आपके घर की धन की परेशानियों को दूर करेंगे। पीले चावल आपके जीवन में समृद्धि लेकर के आएंगे। पहला उपाय। दूसरा जो उपाय होगा वो आपको करना है, आज रात्रि में 9:15 पर पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं, और इसी पूर्णिमा की रात्रि में चारों दिशाओं से आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी तकलीफ आ रही है, तो वो सारी दूर होने वाली है। तीसरा जो उपाय होगा वो चंद्रमौली महादेव का विशेष उपाय, जो कि हर पूर्णिमा पर करना चाहिए। ये उपाय जीवन में शांति तो लेकर के आता ही है, साथ ही साथ आपके घर में धन की परेशानी अगर होगी तो उसे भी दूर करता है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम तीन बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में बात करेंगे। और ये तीनों उपाय जो है ना, ये आपको करना है आज सूर्यास्त के बाद। आप जैसे ही चंद्रमा आपको दिखेगा, चंद्रमा पूर्ण आपको दिखे उसके बाद ये उपाय आपको करना है। देखो, ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, पहला उपाय है पीले चावल का उपाय। देखो, यदि आपके घर में संपदा की कमी है, आपके घर में किसी का भी भाग्य अगर कमज़ोर पड़ा हुआ है, भाग्य चमकने का नाम ही नहीं ले रहा है, भाग्य का उदय ही नहीं हो रहा है, और आप चाहते हैं कि इस पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में पीले चावल, देखो चावल जो होते हैं वो महालक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं, और पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ही समर्पित होती है। और चावल में अगर आप हल्दी डालते हैं, चावल महालक्ष्मी को प्रिय, हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय, तो चावल के अंदर जब हल्दी मिलाओगे ना, तो गीली हल्दी मिलाना, थोड़ी सी गीली हल्दी मिलाना, और चावल का बस रंग पीला हो जाना चाहिए, और उन्हीं चावल पीले चावल से आपको ये उपाय करना है जो कि जीवन को समृद्ध बनाएंगे। समझना कैसे करना है। ये चावल लेना, अक्षत लेना, थोड़े से 11 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 21 भी ले सकते हो, जितने दाने आपको लेना है। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट नहीं करा है, थोड़े से चावल के दाने आपको ले लेना है। चावल के दाने के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डाल देना है और चावल को पीला कर लेना है, ठीक है। साथ में आपको लेना है एक दीपक, गोल बाती का दीपक ले सकते हैं, लंबी बाती का दीपक ले सकते हैं, दोनों दीपक में से जो आपको लगे आप ले सकते हैं, ठीक है। गोल बाती का करोगे तो भगवान विष्णु के निमित्त हो जाएगा, लंबी बाती का करोगे तो महालक्ष्मी के निमित्त हो जाएगा। घी भरना दीपक के अंदर। अब आपको आज की रात में आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी विराज रही हों वहाँ पर आपको जाना है, और तुलसी माता के चरणों में ये चावल यानी कि अक्षत के दाने आपको अर्पित कर देना है। पूर्णिमा की रात्रि बहुत दिव्य रात्रि। देखिए, पूर्णिमा की रात्रि जब चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं, वहाँ पर आपको तुलसी जी के वहाँ पर जाना है, और पीले चावल जो है, हल्दी के चावल, देखो चावल हल्दी के भी कर सकते हो, सफ़ेद चावल भी ले सकते हो। पीले चावल भाग्य का उदय करते हैं, पीले चावल घर में खुशियाँ लेकर के आते हैं, पीले चावल जीवन से दुर्भाग्य को दूर करते हैं, और इन्हीं चावलों के ऊपर आपको एक ये गोल बाती का दीपक का दान करना है। आप जब ये दीपक का दान करेंगे, महालक्ष्मी भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का स्मरण करेंगे, और तुलसी जी की जड़ में उत्तरमुखी होकर के आपको प्रार्थना करनी है, जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करेंगे दूसरे विशेष उपाय की, जो कि आपको आज रात्रि में 9:15 पर करना है। देखो, चार दिशा वाला ये दीपक है, चार दिशा वाला चौमुखी दीपक का ये उपाय आपको विशेष उपाय करना है। देखो किस प्रकार से करना है, समझ सकते हो। देखो, चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है, आटे का माटी का जो लेना वो ले लेना, लंबी लंबी बातियाँ आपको लगाना है, चार दिशाओं की चार बातियाँ आपको लगाना है। दीपक के अंदर आपको घी भरना है,
दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी डालना है और दीपक के अंदर एक चुटकी काले तिल डालना है और ये चौमुखी दीपक आपको तैयार कर लेना है। ये चौमुखी दीपक आज आपको रात्रि में 9:15 का जो समय है, 9:15 से लेकर के 11:15 के बीच में, 11:30 के बीच में आप ये दीपक का दान करके आएंगे पीपल वृक्ष की जड़ में। पीपल वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु का स्मरण करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना और ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना और ये दीपक का दान आज के दिन सुख संपदा ऐश्वर्य कीर्ति वैभव लक्ष्मी इन सभी की प्राप्ति हो ऐसी कामना करते हुए ये चौमुखी दीपक का दान करना। चारों दिशाओं से जीवन में सुख आए, जीवन में समृद्धि आए, जीवन में ऐश्वर्य कीर्ति आए ऐसी कामना करते हुए चौमुखी दीपक का दान आज के दिन करना है। पीपल के वृक्ष में भी कर सकते हो, बरगद के वृक्ष के वहाँ पर भी कर सकते हो या आंवले के वृक्ष के वहाँ पर भी कर सकते हो। जहाँ पर आपकी इच्छा हो वहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा उपाय है ये। हो गया दूसरा विशेष उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास होता है जीवन में शांति लेकर के आने के लिए। तीसरा उपाय भी बहुत ही ज़्यादा खास है। यदि आपके घर में धन संबंधित परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है, आपके घर में जो भी व्यक्ति कमाता है वो पर्याप्त धन की प्राप्ति नहीं कर पाता है, यानी कि वो मेहनत तो परिपूर्ण करता है, पूर्ण रूप से मेहनत करता है, लेकिन उस हिसाब से उसको धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो ये उपाय आपको करना है। चंद्रेश्वर महादेव वाला ये उपाय है। पूर्णिमा की रात्रि में ही ये उपाय किया जाता है। आप पूर्णिमा की रात्रि में यानी कि सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। देखो करना क्या है, 5 बेलपत्र लेना है, ठीक है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। साथ में लेना है 1 कमलगट्टा, ठीक है, और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, और आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है पूर्णिमा की रात्रि में। अब आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है। बहुत ही सुंदर सा नाम है, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर के ये 5 बेलपत्र आप अर्पित कर देना। आगे आपको वचन में अर्पित कर दिया आपने बेलपत्र। अब आपको क्या करना है, जो तांबे का पात्र है ना उसके अंदर 1 कमलगट्टा आपको डाल देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये कमलगट्टा मिश्रित जल भगवान शिव के शिवलिंग पर जहाँ पर आपने 5 बेलपत्र अर्पित करे हैं उन्हीं के ऊपर आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर के अर्पित कर देना है। देखो जिसे आपने अर्पित करे जो जल जो है वो जलाधारी के वहाँ से निकल करके आएगा, तो उसको उस जल को आपको झेल लेना है। देखो झेलों के काई से या तो एक खाली पात्र लेकर के जाना या तो जिससे जल अर्पित करा है उसी का जो लोटा है वो आप जलाधारी के वहाँ पर लगा लेना और थोड़ा सा जल आपको ले लेना है, ठीक है। अब इस जल को आपको महादेव से प्रार्थना करके आपके घर पर लेकर के आना है कि ये जल जो है वो मैं लेकर के जा रही हूँ, लेकर के जा रहा हूँ ताकि मेरे घर की जो आर्थिक समस्या है, जो आर्थिक समस्या है वो दूर हो जाए। अब आपको क्या करना है, ये जल जो है आपको घर पर लेकर के आना है और पूर्णिमा की रात्रि में ही जो भी व्यक्ति आपके घर में धन कमाता है, जिसकी वजह से ही आपके घर में धन आता है, उसके ऊपर इसका जल का थोड़ा सा छिड़काव करना है, 2-4 बूंद का छिड़काव कर देना। बस इतना सा उपाय करना है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। थोड़ा सा ही जल लेकर के आना ताकि आप उसका छिड़काव कर सकें। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, यकीन मानिए उसका जो भाग्य है वो उसका साथ देगा और उसकी जो किस्मत है वो चमक जाएगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो देखो आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं। तीनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।